नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा एकेडमी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया 2018 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सभी लोगों की यहाँ पर लगभग कंफर्म प्रक्रिया कंप्लीट होने वाली है, लेकिन कुछ विद्यार्थी यहाँ पर ऐसे भी रह गए हैं जिनका अभी तक यहाँ पर DB या PST नहीं हुआ, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी अभी तक नहीं हुआ है। उन विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी खबर या खुशखबरी यहाँ पर आई हुई है, क्योंकि दोस्तों यूपी बोर्ड ने है नया नोटिफिकेशन अभी हाल ही में इसको अपडेट किया है कि जिन विद्यार्थियों का अभी तक भी यहाँ पर DB या PST नहीं हुआ है उनके लिए यहाँ पर डेट कंफर्म कर दी गई है। उनका उनके लिए लखनऊ में DB और PST आयोजित किया जा रहा है। तो ऐसे जितने भी विद्यार्थी हैं जिनका अभी तक DB और PST नहीं हुआ है उनके लिए बहुत बड़ी यहाँ पर खुशखबरी एक निकल कर आई है। चलिए दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं डायरेक्ट यूपी पुलिस की वेबसाइट पर, जहाँ पर यह जो नोटिफिकेशन है भाई अपडेट किया गया है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नया अपडेट या वीडियो आता है तो उसको आप तक पहुँचाने में हमें मदद मिलती है। इसलिए आप शिक्षा अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं डायरेक्ट यूपी पुलिस की वेबसाइट पर, जहां पर यह जो नोटिफिकेशन है वह अपडेट किया गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं, यह ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी पुलिस से उत्तर प्रदेश पुलिस की। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सब में ऊपर जो कि यहां पर नोटिफिकेशन है, यह अभी हाल ही में इसको अपडेट किया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे दोस्तों ये आता है तो इसको आप ओपन करेंगे तो यह डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, इसको ओपन करके देख लेते हैं कि आखिरकार इसमें लिखा क्या हुआ है। जैसे दोस्तों, मैंने डाउनलोड पहले ही कर रखा था इसलिए मांग रहा है, यदि आप डाउनलोड करोगे तो डायरेक्ट डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें पहली यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है कि ऐसे विद्यार्थी जिनका बायोमेट्रिक मिलान ना होने के कारण, या ऐसे विद्यार्थी जिनका बायोमेट्रिक उपलब्ध ना होने के कारण, तथा ऐसे विद्यार्थी जिनका प्रकरण बोर्ड की संदर्भ किया गया और जिनके कारण उपरोक्त अभ्यर्थियों का अभी तक भी DB या PST कार्रवाई नहीं हुई है, ऐसे समस्त अभ्यर्थियों की DB और PST की कार्रवाई दिनांक 9 जनवरी 2019 को यहाँ पर कब की जाएगी। दोस्तों 9 जनवरी 2019 को यहाँ पर लखनऊ की पुलिस लाइन में किया जाना प्रस्तावित है। कहाँ पर? लखनऊ में किया जाना प्रस्तावित है। तो दोस्तों आप बिल्कुल, यदि आपकी अभी तक DB या PST नहीं हुई है तो आप 9 जनवरी 2019 को लखनऊ में पहुंच जाइए अपना एडमिट कार्ड निकाल कर। दोस्तों एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर सकते हैं तो आप देखिए यहाँ पर 8/1/2019 को आप अपना एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, बोर्ड की वेबसाइट पर है अपलोड कर दिया जाएगा। इसमें लिखा है दोस्तों, अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह DB और PST हेतु आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति एवं प्रमाणित छाया प्रति के साथ निर्धारित तिथि के समय उपस्थित होंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों इसमें दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि ऐसे विद्यार्थी जो कि द्वितीय चरण में 26/12/2018 से 31/12/2018 तक की DB PST में किन्हीं कारणों से प्रतिभाग नहीं कर पाए हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए DB और PST की कार्रवाई दिनांक 10 जनवरी 2019 से 12 जनवरी 2019 तक जनपद आगरा, बरेली, गोरखपुर, कानपुर और झांसी मेरठ में यहां पर संपन्न कराई जाएगी। तो आप यहां पर अपना एडमिट कार्ड और जो कुछ डॉक्यूमेंट है वह लेकर यहां पर उपस्थित हो जाइए। ठीक है, और दोस्तों बहुत सारी यहां पर इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप इसको कम्प्लीट पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप जो है इसके अपना जो DB और PST उनके लिए जाएंगे। ठीक है, नहीं तो कुछ यदि प्रॉब्लम होती है तो आपको ही उसको झेलना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों आप संपूर्ण जानकारी अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद आगे की प्रक्रिया करें। ठीक है, तो दोस्तों यह वीडियो अब यहीं पर होता है समाप्त, तो यही जानकारी आप तक पहुंचाने दी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप अपने चैनल शिक्षा एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।